दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे पॉलिटी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे चिक्स का 36वां दिन है। आप देख सकते हैं अभी तक हमारे चिक्स की लोडिंग स्टार्ट नहीं हुई है कि मंडी अभी डाउन है, इस वजह से अभी लोडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि अभी कुछ फॉर्म ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ पर बर्ड्स हमारे फॉर्म से पहले प्लेस्ड हुए थे, अभी वहाँ भी लोडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो वहाँ का उठने के बाद ही हमारे यहाँ लोडिंग स्टार्ट। नहीं, मुर्गा रोक कर रखा हुआ है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा तो वेट ही बढ़ रहा है, हमारा तो पेमेंट वेट के हिसाब से ही आना है, तो हमको तो बढ़कर ही पेमेंट मिलेगा, हमें फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, निजी फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो नुकसान है, क्योंकि उसके लिए अतिरिक्त फीड की व्यवस्था करनी पड़ेगी अगर रोकना है, और उसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगले दिनों में रेट बढ़ ही जाएगा, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से 75 से 85 के बीच में ही मुर्गा चल रहा है, उसकी मंडी में उछाल नहीं आ रहा है। अभी 1000 बर्ड्स प्राइवेट में डाल रखा है, आपको मैंने एक दिन वीडियो में दिखाया भी था, जिस दिन बर्ड्स पड़ा था तो 1000 बर्ड्स उन्होंने बैंकेस का डाला हुआ है, और बर्ड्स आज लगभग 32 दिन के हो चुके हैं और उनका फीड भी ख़त्म हो गया है, और 31 दिन में उनका वज़न हो गया है लगभग 1850 ग्राम। ये देखिए, उनका बर्ड्स आया था 1000 बैंकीस का, 40 की दर से पड़ा था और 40,000 रुपये का बर्ड्स हुआ है, और फीड प्रीमियम की दिलवाई थी जो 2100 रुपये बैग मिली थी, 45 बैग, ये पड़ी 94,500 की, और दवाइयां आई थी 4200 की, अभी फ़िलहाल अभी कुछ दवाइयां बची हुई हैं, और भूसी में लगभग 1300 रुपये खर्च आया था, तो इस हिसाब से उनका 31 दिन में टोटल जो है 1,40,000 रुपये खर्च हो गया है, जिसमें अभी लेबर, बिजली बिल या डीजल का खर्चा इंक्लूड नहीं है, और 31 दिन में इनकी 100 मोर्टेलिटी हो चुकी है, तो अभी जो है 900 बर्ड शेष हैं, और इनका एवरेज जो है 1850 ग्राम का आ रहा है, तो इस हिसाब से अगर वो आज बर्ड निकालते हैं तो इनका टोटल बॉडी वेट जो आएगा वो 1665 केजी आएगा, और रेट आज का जो है 79 चल रहा है, यानी इस हिसाब से टोटल 1,31,535 रुपये मिलेंगे, और जबकि टोटल खर्च की बात की जाए तो हम लेबर और डीजल मान लेते हैं लगभग 7,000 रुपये, फिलहाल इससे ज़्यादा ही लगना है, हम मिनिमम 7,000 मान लेते हैं, तो ये हमारा टोटल स्पेंड हो जाएगा, 1,40,000 फीड और दवाइयों का हुआ था, और ये 7,000 मिलाकर 1,47,000 रुपये टोटल खर्च हो जाएगा, और हमारे बर्ड्स अगर आज बेचे जाते हैं तो 1,31,535 रुपये के ही होंगे, क्योंकि फीड ख़त्म है और फीड की व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसलिए आज ही बेचना पड़ेगा, तो लगभग आप देख लीजिए 16-17 हज़ार रुपये का घाटा आएगा इसमें। आपने देखा निजी फार्मिंग में किस प्रकार से अगर रेट नहीं है तो घाटा होता है, इसलिए मैंने आपको कभी भी निजी फार्मिंग करने की सलाह नहीं दी, क्योंकि रेट का कोई ठिकाना नहीं रहता है, अगर रेट अच्छा होता तब तो फ़ायदा हो सकता था, अगर रेट डाउन है तो निजी फार्मिंग में नुकसान के सिवा कुछ नहीं होना है। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।